तो अगर आप में से किसी को लेनी है, मेरी न्यू थार है, ये सिर्फ 10,000 किलोमीटर चलाई है मैंने। हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो गाइज, उठने में आज काफ़ी लेट हो गया था, 11 बज गए, लेकिन नींद पूरी हुई। कल रात को मैं काफ़ी 2-3 बजे सोया था, फिर मैं उठा ही नहीं रहा, आराम से उठा फिर। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। मम्मी अपना सिलाई काम कर रहे थे, पीयूष और कुणाली गए स्कूल। ये देखो मम्मी वहाँ काम कर रही है, और देखो और देखो नीचे कैसे बैठा हुआ है, यहाँ पे मस्त अपना मुझे देख रहा है। तो फिलहाल नहा के रेडी हो गए, फिलहाल ब्रेकफास्ट करते हैं। दाल, पनीर, रायता एंड रोटी। रोटी का हाल देखो, ये ऐसी कैसी हो रही है, ये देखो दो हिस्से हो गए, 4 रोटी बन गई है, रुमाली रोटी बन गई, देखो रुमाली रोटी। और ये कौन आया, ऐसे कैसे टूट गया? ये देखो, मैं पानी पीने जा रहा था, तो मैंने पानी पी के वहाँ पे एक बॉटल रख दी, तो एक बच्चा छूट गया ना, तो उसने मैंने मेरी बॉटल गिरा के। तो गाइस, कुणाली आज बॉटल तोड़ के लाया स्कूल से। मैंने तोड़ी, झूठ बोल रहे। तो किसने तोड़ी? मैंने पी के रखी थी, बच्चे ने तोड़ी थी। झूठ मत बोलो, आप ही तोड़ी होगी, आप ही शैतानी आप ही करते हो। हाँ, ये खुद ही करता है, खुद कर, और यहाँ के बच्चों का नाम लेता है। झूठ बोलते हो ना, झूठ बोलते हो ना। देखो हंस भी रहा है, हंस भी रहा है देखो हंस रहा है। अब इसको बिना ढक्कन के लेके जाना, ठीक है? अब बिना ढक्कन के जानी पड़ेगी, ठीक है? यार ये क्या चल रहा है, सितंबर आने वाला है, यहाँ पे आम देखो भाई। भाई ये पेड़ ना सस्ते नशे कर रहे हैं, मतलब सितंबर आने वाला है, अभी तक इसमें आम वो भी इतने इतने, पता नहीं कब बड़े होंगे, कब क्या होगा इन आम का। ये देखो भाई छोटे छोटे आम, और बहुत सारे आम है इसमें। तो गाइस, मुझे ना आपको एक बात बतानी थी काफी टाइम से, जो मैं सोच रहा था, तो फाइनली आज बता देता हूँ। आज यहाँ पे आया हूँ तो दिल पे पत्थर रख के कि मैं अपनी थार को बेच रहा हूँ। इसका रीज़न ये है, जैसे मैं इसको लेके निकलता हूँ ना, तो इसके पीछे बाइक वाले, स्कूटी वाले लेकिन मतलब इसके पीछे पड़ जाते हैं, और इसको ओवरटेक करते हैं, फॉलो करते हैं। 2-3 बार तो काफ़ी ठुक भी गए हैं, भगवान की दुआ से कभी किसी को कुछ हुआ नहीं, लेकिन अगर किसी कभी किसी को कुछ हो जाए तो मेरे ऊपर ही बात आई कि मैं, मेरी थार थी, मतलब मेरा नाम आएगा ना, कि सोरदोसी की थार थी, अगर चाहे मेरी गलती हो चाहे ना हो, मेरी ही नाम आएगा, और मेरे को इतना डर लगता है ना। तो मेरे फ्यूचर के लिए ये थार बिल्कुल भी मुझे सेफ नहीं लगती, इसीलिए मैं इसको बेच रहा हूँ, क्योंकि यार मतलब आप लोगों की सेफ्टी के लिए बेसिकली। तो अगर आप में से किसी को लेनी है, मेरी न्यू थार है, ये सिर्फ 10,000 किलोमीटर चलाई है मैंने, और बिल्कुल नई की नई है, बिल्कुल देखो मैं दिखाया तो आपको, बिल्कुल नई की नई, देखो चमक रही है, कहीं से कुछ भी डेंट नहीं है, कहीं पे कुछ भी नहीं है, इवन मॉडिफिकेशन करा रखी है मैंने, यहाँ पे ग्रिल भी लगवा रखी है, बम्पर लाइट्स वाइट्स, अंदर भी एम्बियंट लाइट, सब कुछ चेंज करा रखा है, बिल्कुल नई थार है ये, मतलब देख लो चारों साइड से दिखाया तो मैं आपको, अगर आपको खरीदनी है तो। अंदर से भी कहीं से भी कुछ नहीं हुआ है, इवन मैंने डैम्पिंग करा रखी है इसमें, एम्बियंट लाइट करा रखी है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें करा रखी है इसमें मैंने, बेसिक जो जरूरी होती हैं। और देखो अंदर से बिल्कुल नई की नई थार है। तो अगर आपको चाहिए थार, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके आप मैसेज कर सकते हो, तो मैं रिप्लाई कर दूंगा। बाकी जो रेट वगैरह मैं आपको बता दूंगा बात करके। वैसे गाइस, मेरा बिल्कुल ही मन नहीं है इसको बेचने का, बिकॉज बहुत मजा आता है, जहाँ पे मतलब थार जा सकती है वहाँ पे फॉर्चूनर भी नहीं जा सकती। जैसे हम पहाड़ पे गए थे हमने झंडा फहराने के लिए, तो वहाँ पे थार ही जा सकते हैं, फॉर्चूनर भी जा सकती है, बिकॉज छोटी छोटी जगह से निकल जाती है, और 4x4 भी है, तो पहाड़ों के लिए सही है, लेकिन मेरे लिए सही नहीं लगती। मुझे ऑफ रोडिंग के चक्कर में मैं जेल में ऑफ रोडिंग करूँगा अगर कुछ हो गया तो भाई, इसीलिए मैं अब इसको लेके कहीं दूर जाता भी नहीं, दिल्ली वगैरह आपने देखा होगा, मैं इसको बहुत कम ही चलाता हूँ। बाकी आप कमेंट कर बताना कि आप क्या सोचते हो इस बारे में, मेरे को जो फील हो रहा था मैंने आपको बोल दिया, तो हाँ मैं तो बेच रहा हूँ इसको बस। तो पापा जी भी आ गए, और गाइस ये थार बेचने का डिसीजन ओनली मेरा नहीं है, मैंने काफ़ी बड़े लोगों से पूछा, फैमिली से पूछा, और काफ़ी यूट्यूबर्स ने बोला मुझे, तो हाँ इसीलिए ये डिसीजन मैंने लिया फाइनली कि थार बेच रहे हैं। तो आज के दिन मम्मी सबसे ज़्यादा खुश होगी, जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ मम्मी कहती है तू थार में मत जा यार प्लीज़, मम्मी को ना बहुत टेंशन होती है, मम्मी को ना मेरी बहुत टेंशन होती है, इसलिए मम्मी बोलती थार में मत जा, थार में मत जा। मैं आज बहुत सारे घर देख के आया, 2-3-4 घर देख के आया, तो मैं मेरे माइंड में आ रहा है कि क्या क्या चीज़ हम घर के अंदर ऐड कर सकते हैं, डिज़ाइन तो रेडी हो गया। मैं तो ये कह रही हूँ ना बेटा, बिल्कुल सिंपल सा घर बना, बढ़िया सिंपल सा हो, नीचे रूम हो हमारे, तो सिंपल ही तो है वो, सिंपल बना, तो वो सिंपल नहीं है, वो सिंपल ही तो है, सिंपल है वो, हाई फाई सा नहीं है वो, थोड़ा हाई फाई सा नहीं हो घर, मम्मी को सिंपल घर चाहिए, उनको सिंपल चाहिए भाई, सिंपल अपना रहने के लिए बनाओ, थोड़ा सा वो कर लो बस हो गया। गाइस कमेंट कर बताना सिंपल नहीं है वो जो मैंने आपको दिखाया था, सिंपल नहीं है जो कल दिखाया था ना, तो ग्लास ग्लू ज्यादा लगे हैं, ग्लास तो मस्त लगते हैं ना, इतना नहीं यार, छत पर भी ग्लास है उसमें, ऊपर से वो कभी बारिश से खिड़का पड़ेगी तो टाइट ग्लास होता है, कैसे भी होता है चाहे, मम्मी कह रहे घर में ग्लास नहीं होने चाहिए, वाह अब मम्मी का टेस्ट अलग है, मेरा टेस्ट अलग है, मम्मी को सिंपल घर चाहिए, मेरे को सिंपल चाहिए भाई, एक तो मेरे को थोड़ा लग्जरी घर दे रहा हूँ और कह रहे हैं सिंपल चाहिए। तो पीयूष भी आ गया ट्यूशन से, स्कूल से भाई सुबह से, अब मिल रहा हूँ मैं पीयूष से, देखो। तो अभी गाइस एक दिक्कत हो गई है, हमने इतने मुश्किल से डिजाइन बनवाया था, इतनी मेहनत करके दीव भाई ने डिजाइन बनाया था, और मम्मी कह रहे हैं मुझे लग्जरी घर चाहिए नहीं, अब समझ में नहीं आ रहा मम्मी को किस तरह से कन्विंस करूं मैं। मैं हूं ना, हैं मैं समझ लूं, तेरे को पसंद आया? हां बहुत ज्यादा यार, तेरे को पसंद, बहुत तगड़ा लगा, बहुत ज्यादा मेरे को, बहुत ज्यादा। वैसे भी टाइम लगेगा इसको बनाने में, तो क्या पता मम्मी मान जाए, मम्मी को मनाना पड़ेगा अच्छे से। मम्मी किस बात पे डिसएग्री है?
मम्मी कह रहे सिंपल घर चाहिए, छोटा सा, कि अंदर घुसे घर हो, सिंपल रूम हो, इस तरह से फोर्थ चार फ्लोर ना हो, छोटा सा हो, ग्लास ना हो। गाइस पहली बार ऐसा देखा है कोई बेटा अपने पेरेंट्स के लिए इतना लग्जरी इतना अच्छा सा घर बनवा रहा है, और मम्मी कह रही है कि नहीं। पीसी मैं तो फ्यूचर को देख के कर रहा हूँ ना, कि फ्यूचर में हम भी बड़े होंगे, हमारी शादी होगी, तेरी शादी होगी, तो उसके बाद हमको चाहिए ना बड़ा घर, तो चाहिए। कुनाली की शादी होगी तो उसके लिए चाहिए ना कुनाली, है ना कुनाली, शादी होगी ना आपकी? नहीं। हैं? नहीं। किससे शादी करोगे? आपके। मेरे साथ? बड़ी मम्मी आ गई, बड़ी मम्मी को मनाते हैं, चलो। बड़ी मम्मी है, इतना महंगा घर बनाया था हमने और आपने ना कह दिया। मेरे को पसंद नहीं आया, सिंपल बढ़िया घर बनाएंगे, सिंपल सा। वो भी तो बढ़िया है। वो नहीं है यार। क्यों? इतना अच्छा नहीं लगा। हम एक काम करते हैं, चलो आपके लिए दूसरा घर बना देते हैं, आप वहीं किचन सामान सब कर लेना, हम वहीं रहते हैं। क्या हम अकेले रहेंगे? हाँ, हम अकेले। मम्मी भी तो रहेगी। और तुम हमारे बिना रह जाओगे अकेले? बाबू भी तो रहेंगे। अकेले रह जाओगे तुम? हमारे बिना रह जाओगे? मम्मी बात देख तो, इसको दूध कौन पिलाएगा, कौन खाना बना के खिलाएगा तुमको? अब क्या दिक्कत लग रही? दिक्कत क्या है, थोड़ा हाई फाई है यार ये। हाई फाई है मतलब? हाई फाई क्या होता है? आपका बेटा भी तो हाई फाई है। फिर क्या हुआ? सिंपल सा। बड़ी में यार सोचता की शादी होगी, देखो मम्मी बिल्कुल सिंपल है, मैंने इसमें कुछ भी चीज, सारी प्रैक्टिकल चीजें हैं। इतने पैसे लगेंगे इसमें, खाली हो रहा है बनाना। मैं दूंगा ना अपनी गेमिंग इनकम, गेमिंग किन देगा? वैसे तो बढ़िया है घर, लेकिन हम हाई फाई वाला इतना मजा, हम सोचते हैं नीचे वाले पोर्शन में बढ़िया बनाए, नीचे सीधा ना ग्राउंड फ्लोर में, ऊपर जाओ नीचे आओ। वही तो, मम्मी को मान लो घूमना है, ऊपर से नीचे आना पड़ेगा बार बार। लिफ्ट लगा देंगे, लिफ्ट नहीं चाहिए मेरे को। मैं कह तो रही हूं लिफ्ट का यही तो नहीं चाहिए ना, सिंपल चाहिए हमको, नहीं चाहिए लिफ्ट। चढ़ लेना सीढ़ी, हमको हम कमरा। हां सीढ़ी चढ़ लेना। मम्मी आपा ज्यादा पैसे नहीं खर्च करना है, सीधी सी बात है, ज्यादा पैसे नहीं, सोचते हैं कि सीधा घर बन जाए। क्या करना है बेटा, रहना ही तो है उसमें, इसमें भी रहना है उसमें भी रहना है, ऐसा क्या है, अपने हिसाब से बनाओ बस। इसमें मम्मी पापा को बस रूम चाहिए, बस रूम चाहिए। मम्मी सिंपल जैसे हम है ना, हम ऐसे ही रहना चाहते हैं, सिंपल रहना चाहते, नीचे बैठ के खाओ, ये नहीं कि हमारे नौकर चाकर रहो, ये वो पसंद नहीं अपने को, जब तक हम है हम ऐसा ही ठीक है, आराम से बैठो जैसे बैठे खाओ, और क्या है, बढ़िया से रहो, उसका मजा अलग ही। देखो तुम लोग तो आधे से ज्यादा तो बाहर घूमते रहो, हमी ने तो रहना है उसमें, हमने तो रहना है। और चार मंजिल की सफाई कौन करेगा, कौन करेगा यार इतना सफाई? हाँ ये भी है, मेरे को बाहर वालों की सफाई भी नहीं पसंद नहीं आती। मान लो कल को हाँ। खुदा न खाता तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारी बीबी साफ सफाई नहीं करेगी, उतने आदमी रखोगे तुम? वो करेगी नहीं, वो नहीं करेंगे कल को, करेगी सरदगी नहीं करेगी बेटा, करेगी देखना। हम तो ये कहते कि मतलब कम से कम बंदे को हाथ पैर फैलाना पड़े, इसकी साफ सफाई कौन करेगा? कुछ नहीं, पहले यहाँ आज से करके मैं कह रहा हूँ, मैं बंदे रखूंगा ना कि मैं करूंगा। अच्छा, मैं अपनी YouTube इनकम दूंगा। तू नहीं, कितनी आ रही तेरी YouTube इनकम? गाइस हमारे घर में ना मेरी नहीं चलती बिल्कुल भी, मेरी चलती होती ना मैं अभी तक क्या क्या कर देता। बड़े में स्विमिंग पूल भी बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, बाथरूम में नहाओगे स्विमिंग पूल से क्या होता है अभी। तो गाइस अब मम्मी पापा को जो करना है, जैसा घर बनाना है मैं बनवाने देता हूँ। नीचे क्यों रहना है, फर्स्ट फ्लोर पे रहो अपना मस्त, आप सोसाइटी में, सोसाइटी में क्यों रह रहे हो, कि हम लोग घूमेंगे फिरेंगे इसलिए रह रहे हो गए? दिन भर धूप में घूमते रहोगे, शाम को जाओगे इतना नहीं चलते, मेरे को अगर ऊपर ही रहना है तो फिर कहीं अलग जगह लो, 100x100 का लो, वहाँ बीच में बनाएंगे, फिर तुम हमें ऊपर ही रख लेना चाहे, अंदर ही घूम लेंगे सारा दिन, हम घूमना ही तो है जरूरी, सोसाइटी के बाहर घूमना हमारे इधर। लिफ्ट में जाना है ना सीढ़ियों से जाना है, इसलिए हमें नीचे रहना है, पॉसिबल? नीचे कूद के जाओगे। तो गाइस कितनी ही बहस कर लो, कितना ही समझा लो, लेकिन अपने पेरेंट्स को कभी भी नहीं समझा सकते, ये मैं तो हार मान ली है, मैं बहुत, फिर बाद में लड़ाई हो जाती है, मैं कुछ और सोचता हूँ, मम्मी पापा कुछ और सोचते हैं, इससे बढ़िया आप करने तो जो करते हैं, मैं अपने काम पे फोकस करता हूँ, मैं जाऊँगा शायद कल, गांव जाऊँगा। बड़े में की चलती है भाई सबसे ज्यादा घर में, बड़ा हुआ भी कुछ नहीं, बड़े में कह दिया मम्मी, मम्मी और बड़े मम्मी रात करते पूरे घर में। चाची अपना मस्त यहाँ पे आलू छिल रहे और हमारी लड़ाई देख रही है ना चाची, मजे ले रहे चाची है ना। तो भी मैं एडिटिंग कर रहा था तो खाने के लिए आइए, खाने के लिए आइए, खाने के लिए खाना बुलाने के लिए, सॉरी सॉरी। क्या बनाया आज? आलू की सब्जी, दाल, रायता,
तो भी गाइस रात के बज गए 11, एडिटिंग कंप्लीट हो गई है, फिलहाल अब मैं सोऊंगा बिकॉज कल सुबह जल्दी उठना है, मुझे जाना है गांव अम्मा बाबू से मिलने, बहुत टाइम हो गया उनसे मिले भी नहीं, तो दो दिन गांव में ही रुक के आएंगे, आराम से मिल के आएंगे उनसे। तो फिलहाल मैं इस व्लॉग का एंड करता हूँ, आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, मिलते गए जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। तो चलो मैं भी चलता हूँ मम्मी के साथ में मॉर्निंग वॉक पे, मॉर्निंग कह रहा हूँ इवनिंग वॉक पे।